बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां पर जिले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें जिला प्रशासन के कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि सैनिक हमारे राष्ट्र की धरोहर से कम नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की वजह से ही आज हम चैन की नींद सोते हैं। पूर्व सैनिकों के सम्मान का मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ी को सैनिकों से देश की रक्षा करने की प्रेरणा मिल सके, ताकि आने वाली पीढ़ी देश सेवा के प्रति समर्पित हो और एक अच्छा भाव मन में जागृत हो। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। ये आज आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया गया था। हमारे जो पहले भारतीय फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा साहब जनरल, उन्होंने 14 जनवरी 1953 को रिटायरमेंट लिया था। उसके बाद से एक परंपरा बनाई गई थी कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनके सम्मान के लिए 14 जनवरी को पूर्व सैनिक आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे के रूप में मनाया जाएगा। आत्मा को खुशी हो रही है और अपने पूर्व के कामों को दोबारा मतलब जो है बोलने के लिए चांस मिला और बताने के लिए हमको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 14 जनवरी 1953 को पहले एयर मार्शल के.सी. करियप्पा जो सेवानिवृत्त हुए थे, उस दिवस को पूर्व सैनिक दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। और ऐसे पूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी सेवा इस देश के लिए दी, ऐसे पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम आज रखा गया था। तो इस अवसर पर सभी पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया।